नमस्कार, मैं उप्रिया। आज है 1 फरवरी। आज का पूछा गया सवाल आज की 25 बड़ी खबरों में से ही है, तो कृपया करके इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से सुनिए। तो चलिए जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को। SAT का री एग्जाम होगा इसी महीने। काफी फेरबदल के बाद 28 जनवरी को आयोजित की गई परीक्षा को कुछ छात्रों की वजह से कई जगहों पर रद्द करना पड़ गया था, लेकिन अब खबरों की माने तो रद्द की गई सभी परीक्षाओं का आयोजन दोबारा किया जाएगा। उसके बाद ही किसी परिणाम की घोषणा होगी, जिसके पश्चात बिहार बोर्ड परीक्षा समिति ने SAT की इस परीक्षा को इसी महीने आयोजित करवाने की बात पर जोर दिया है। हालांकि अभी इस परीक्षा के शुरू होने की आधिकारिक तारीख की घोषणा नहीं की गई है। दिल्ली चुनाव के बाद पीके बताएंगे अपनी रणनीति। प्रशांत किशोर के जदयू से बाहर होने के बाद विपक्षी दलों की तमाम अटकलेबाजियां आ रही हैं, जहां हर कोई प्रशांत किशोर को अपने साथ शामिल करने की जुगत में लगा हुआ है। राजद ने तो उन्हें अपनी पार्टी के साथ जुड़ने का न्योता भी दे दिया। हालांकि कुछ लोग प्रशांत किशोर के TMC के साथ विलय की बात भी कर रहे हैं, मगर प्रशांत किशोर ने इस बात से साफ इनकार कर दिया है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद ही यह साफ हो सकेगा कि प्रशांत किशोर किस पार्टी का हाथ थामना चाहते हैं। आधी रात में पुलिस महकमे का निरीक्षण करने पहुंचे DGP। आए दिन मुजफ्फरपुर में आधी रात को हो रहे अप्रिय वाक्यों को देखते हुए DGP गुप्तेश्वर पांडे अचानक से आधी रात को सभी पुलिस चौकियों का निरीक्षण करने पहुंचे, जहां अचानक से पहुंचे DGP को देखकर पुलिस कर्मियों की नींद उड़ गई। इतना ही नहीं, DGP गुप्तेश्वर पांडे ने कई थानेदारों की क्लास भी लगाई, जो ड्यूटी के समय में सोते पाए गए। सिपाहियों के प्रमोशन के नियमों में हुए बदलाव। बिहार पुलिस ने सिपाहियों को प्रमोशन देने के नियमों में बदलाव करने का आदेश जारी किया है, जिसके तहत बिहार पुलिस मुख्यालय पुराने नियमों की ताक पर कुछ अहम बदलाव करने पर सोच विचार कर रहा है। इतना ही नहीं, पुलिस मुख्यालय ने तो इस बाबत सरकार के पास अपना प्रस्ताव भी भेजा है। खबरों की माने तो पुलिस मुख्यालय ने नए नियम के अनुसार अब किसी भी सिपाही को सीधे तौर पर ASI की उपाधि नहीं दी जाएगी। अब सिपाहियों को पहले हवलदार पद और उसके बाद ASI पद पर प्रोन्नति मिलेगी। सुशील मोदी ने बिहार बजट पेश होने से पहले परिचर्चा का दिया आश्वासन। उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने हाल ही में बजट पेश होने से पहले प्रदेशवासियों को यह आश्वासन दिलाया है कि बिहार का बजट पेश होने से पहले 15 फरवरी तक 10 वर्ग समूह के साथ परिचर्चा कर बजट के संबंध में उनकी अपेक्षाओं और सुझाव को जानने के बाद ही बिहार के बजट को पेश किया जाएगा। उन्होंने आगे कहा है कि बिहार का बजट पर परिचर्चा की 2006 से चलती आ रही प्रथा के अनुसार ही पेश किया जाएगा। अब शिक्षकों को घर तक पहुंचाई जाएगी उनकी नौकरी की चिट्ठी। सभी नियोजित शिक्षकों के लिए अहम सूचना। बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने सभी नियोजित शिक्षकों को पत्र बांटने की प्रतिक्रिया में बदलाव किया है, जिसके तहत अब प्राथमिक के साथ साथ माध्यमिक नियोजन शिक्षकों के घर पर अब उनकी नौकरी की खबर पहुंचाई जाएगी। हालांकि सभी नियोजित शिक्षकों को नियोजन पत्र को कैंप लगाकर भी बांटे जाएंगे। पंचायत के नियोजन पत्र प्रखंड में बांटे जाएंगे, प्रखंड के नियोजन पत्र को जिला स्तर पर, वहीं जिला स्तर के नियोजन पत्रों को चिन्हित किए गए मुख्यालयों पर बांटे जाएंगे। स्टेट हैंडबॉल टीम में नवादा के खिलाड़ियों का हुआ चयन। कुछ दिनों बाद आयोजित होने वाली 42वीं राष्ट्रीय सब जूनियर बालिका हैंडबॉल चैंपियनशिप के लिए नवादा की 2 बालिका खिलाड़ियों का स्टेट टीम के लिए चयन किया गया है। चयनित दोनों छात्राओं में एक VIP कॉलोनी के उमेश यादव की पुत्री सपना कुमारी है, वहीं दूसरी खिलाड़ी उसी कॉलोनी में रहने वाली संतोष कुमार गुप्ता की बेटी ज्योति है। आपको बता दें, 4 से 8 फरवरी तक उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में आयोजित होने वाले इस चैंपियनशिप में बिहार हैंडबॉल की 16 सदस्यीय टीम ट्रॉफी को हासिल करने के इरादे से उतरेगी। अब मोबाइल ऐप के जरिए ग्रामीण सड़कों पर रखी जाएगी नजर। अब ग्रामीण इलाकों में भी सड़कों पर प्रशासन की पल पल की नजर होगी। इतना ही नहीं, हर 3 महीने पर सड़कों की नियमित जांच पड़ताल भी की जाएगी। इसके साथ ही अब प्रशासन सड़कों की वर्तमान हालत पर नजर बनाए रखने के साथ साथ सड़कों की पूरी डिटेल तस्वीर के साथ सिस्टम पर दर्ज करेगा, जिसके पश्चात किसी भी तरह की गड़बड़ियों का पता लगते ही संबंधित ठेकेदार और इंजीनियर को उसकी जवाबदेही देनी होगी। अब आइए जानते हैं बिहार की जानी मानी हस्ती के बारे में। आज हम बात करेंगे विकास कुमार झा की। पेशे से पत्रकार और लेखक रह चुके विकास कुमार झा का जन्म बिहार के सीतामढ़ी जिले में हुआ था। विकास झा को उनके कथा और गैर काल्पनिक कामों के लिए जाना जाता है, जैसे मैकुलिसकिंगगंज, भारत के एकमात्र एंग्लो इंडियन विलेज की कहानी, जिसे लंदन के हाउस ऑफ कॉमन्स में कथा UK सम्मान से सम्मानित किया गया था। इसके साथ ही उन्होंने वर्षवन की रूप कथा, अगुअम्बे गांव बिहार पर आधारित एक उपन्यास, आजादी के दिन भारत भोग आदि भी लिखा है। विकास कुमार झा ने किताबों के अलावा कई मैगजीन के साथ भी काम किया है। 2 फरवरी तक बैंक की सेवाएं रहेंगी बंद। सभी आम नागरिकों के लिए अहम सूचना। 2 फरवरी तक बैंक की सभी व्यवस्थाएं बंद रहेंगी, जिसके परिणाम स्वरूप 2 फरवरी तक बैंक की कोई भी सुविधा आम नागरिकों को नहीं दी जाएगी। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, बीते दिन यानी कि 31 जनवरी से 1 फरवरी तक बैंक के कर्मी सड़क पर अपनी मांगों को लेकर उतरेंगे, जिसके कारण स्वाभाविक तौर पर बैंक के सभी काम बंद रहेंगे। वहीं 2 फरवरी को रविवार होने के कारण उस दिन साप्ताहिक छुट्टी होगी, यानी कि बैंक की सभी व्यवस्थाएं आम नागरिकों को 3 फरवरी से मिलने की उम्मीद जताई गई है। वहीं खबरों की माने तो बैंक कर्मियों ने यह भी साफ कर दिया है कि अगर सरकार ने उनकी मांगों का कोई जवाब नहीं दिया तो 11 से 13 मार्च तक फिर से बैंकों में ताले लटकाए जाएंगे।
डीएलएड अभ्यर्थियों का हो रहा है नियोजन। पटना हाईकोर्ट के आदेश के बाद शिक्षा विभाग सभी डीएलएड अभ्यर्थियों की नियुक्ति जिला अंतर्गत राजकीय और राजकीयकृत प्राथमिक मध्य विद्यालयों में समान शिक्षक के पद पर करवाने जा रहा है, जिसके तहत फिलहाल खाली पड़े 1303 पदों पर इन शिक्षकों की नियुक्ति करवाई जाएगी, जिसमें 24 प्रखंड और नगर निगम समेत नगर पंचायत शेरघाटी, टिकरी और बोधगया शामिल होंगे। इसके साथ ही शिक्षा विभाग ने सभी पास हुए अभ्यर्थियों से आरक्षण के अनुसार खाली पदों पर आवेदन करने की भी अपील की है। हेमा मालिनी पहुंची विष्णुपद मंदिर का दर्शन करने। पर्दे से काफी समय से दूर चल रही हेमा मालिनी राजनीति में काफी सक्रिय हैं और फिलहाल वो इन दिनों बिहार दौरे पर हैं। ज्ञात हो बिहार के बोधगया में आयोजित 3 दिवसीय बौद्ध महोत्सव में शिरकत होने पहुंची हेमा मालिनी विष्णुपद मंदिर पहुंची दर्शन के लिए, जहां पहुंचकर न सिर्फ उन्होंने भगवान के दर्शन किए बल्कि तुलसी अर्चना की और साथ ही साथ देश की तरक्की और शांति की कामना भी की। बांका जिले के श्रावणी मेले में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। हिंदू धर्म में सावन महीना काफी पवित्र माना जाता है। इसमें शिव भक्त भगवान शिव की आराधना करते हैं और भगवान शिव को गंगा जल चढ़ाने के लिए सुल्तानगंज के देवघर तक पैदल यात्रा करते हैं। 105 किलोमीटर की इस यात्रा में 64 किलोमीटर बांका में पड़ता है और पूरा एक महीना इस मार्ग में मेला जैसा दृश्य रहता है। फास्टैग रिचार्ज की होती है समस्या तो करें गूगल पे से रिचार्ज। गूगल पे ने हाल ही में अपने ऐप में एक नया फीचर ज्वाइन किया है, जिससे अब फास्टैग रिचार्ज करना और आसान हो गया है, क्योंकि अब आप घर बैठे बैठे एक क्लिक करके अपने फास्टैग को आसानी से रिचार्ज कर सकते हैं। बस आपको कुछ स्टेप्स को फॉलो करना होगा और कुछ ही समय के अंदर आपका फास्टैग गूगल पे ऐप से रिचार्ज हो जाएगा। सबसे पहले आपको गूगल पे से अपने फास्टैग अकाउंट को लिंक करना होगा, उसके बाद गूगल पे ऐप में आपको न्यू पेमेंट का ऑप्शन दिया जाएगा, जहां से आपको फास्टैग कैटेगरी में जाकर अपना व्हीकल नंबर डालकर पेमेंट विथ बैंक अकाउंट पर क्लिक करना होगा, जिसके बाद आपका फास्टैग रिचार्ज हो जाएगा। बिहार कृषि विश्वविद्यालय को जल्द ही किया जाएगा सम्मानित। बिहार कृषि विश्वविद्यालय ने स्थापना के 9 सालों के अंदर ही दुनिया भर में अपनी एक अलग पहचान बना ली है। यहां तक कि प्रसार शिक्षा के क्षेत्र में बनाई गई इस फिल्म को कई देशों में 1.25 करोड़ बार देखा गया है। वहीं YouTube ने इस वीडियो के लिए क्रिएटर का अवार्ड दिया है और अब इसी काम के लिए एक बार फिर से केंद्र सरकार इस विश्वविद्यालय को ई गवर्नेंस के राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित करने के लिए चयनित किया है। आपको बता दें ई गवर्नेंस का यह पुरस्कार किसी भी विश्वविद्यालय को जन केंद्रित गवर्नेंस सेवाओं के लिए दिया जाता है। जहानाबाद से मिला शर्जील का मोबाइल, अमर्यादित बयान के लिए सुर्खियों में आए शर्जील को पकड़कर उसकी पूछताछ की जा रही है। वहीं इसी बीच दिल्ली पुलिस को शर्जील के मोबाइल की तलाश थी, जो कि अब उन्हें जहानाबाद से ही मिल गई है, जिसके पश्चात अब पुलिस को शर्जील के खिलाफ और सारे सबूत हाथ लगने का अनुमान लगाया जा रहा है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें हाल ही में शर्जील को असम और केंद्र सरकार पर की गई टिप्पणी के कारण बिहार के जहानाबाद से ही पकड़ा गया था। एनपीआर को लेकर मुख्यमंत्री आवास पर हुई बैठक। सीएए और एनआरसी के मुद्दे पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पहले ही अपना पक्ष साफ कर दिया था, मगर अब बारी एनपीआर की है। इसको भी लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हाल ही में अपने आवास पर समीक्षा बैठक का आयोजन करवाया था, जिसके बाद से यह अटकलें लगाए जाने लगे थे कि शायद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जल्द ही इस मुद्दे पर कोई अहम फैसला सुना सकते हैं। हालांकि कुछ दिनों पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एनपीआर को लेकर यह कहा था कि उन्हें एनपीआर के कुछ क्लॉज से परेशानी है। बिहार बोर्ड के एब्सेंटर की लिस्ट देख सकेंगे परीक्षार्थी भी। बिहार बोर्ड से 10वीं और 12वीं की परीक्षा देने वाले सभी परीक्षार्थियों के लिए अहम सूचना। बिहार बोर्ड ने सभी परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए कुछ दिनों में शुरू होने वाली परीक्षा के केंद्रों की सूची जारी कर दी है, जिससे कि अब सभी छात्र आसानी से अपनी परीक्षा केंद्र से संबंधित जानकारी ले सकते हैं। आपको बता दें बिहार बोर्ड ने परीक्षा केंद्रों की सारी जानकारी अपने आधिकारिक वेबसाइट www.bsebinter.edu.in पर जारी किया है, जो कि अब सभी छात्र अपने आईडी पासवर्ड के माध्यम से पूरी लिस्ट को डाउनलोड कर सकते हैं। राजद के नेताओं ने साथ बैठकर की आपसी मनमुटाव दूर करने की कोशिश। राजद पार्टी के अंदर चल रहे अनबन अब किसी से भी नहीं छुपा है, बल्कि अब यह अनबन खुलकर राजनीतिक दलों के सामने आने लगी है, जिसका फायदा भी कुछ पार्टियां उठा रही हैं। इसी को देखते हुए अब जगदानंद सिंह और रघुवंश प्रसाद बैठकर अपने आपसी मनमुटाव को सुलझा रहे हैं। खबरों की माने तो रघुवंश यादव अचानक से राजद दफ्तर पहुंचे, जहां उन्होंने जगदानंद सिंह के साथ बैठकर एक बंद कमरे में मीटिंग की है। बिहार पोस्टल सर्किल GDS का रिजल्ट हुआ जारी। बिहार पोस्टल सर्किल की ओर से ग्रामीण डाक सेवक पद के लिए निकाली गई रिक्तियों के परिणाम की घोषणा कर दी गई है, जिसके तहत इस साल कुल मिलाकर 1058 कैंडिडेट्स का सिलेक्शन कर लिया गया है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें बिहार पोस्टल सर्किल GDS ने हाल ही में 1063 रिक्तियां निकाली थी, जिसके लिए बिहार पोस्टल सर्किल ने 10वीं पास अभ्यर्थियों से आवेदन की मांग की थी।
दिल्ली चुनाव के बाद भाजपा बिहार में करेगी कार्यकारिणी सदस्यों का गठन। बिहार के सभी नेतागण जो कि भाजपा के प्रदेश कार्यकारिणी में जगह बनाने की इच्छा रखते हैं, उन्हें अभी थोड़ा और इंतजार करना होगा, क्योंकि खबरों की माने तो दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद ही अब भाजपा अपनी प्रदेश कार्यकारिणी का गठन करेगी। वहीं पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने भी इस बात की पुष्टि की है और साथ ही उन्होंने कहा है कि 8 फरवरी को दिल्ली विधानसभा चुनाव होने के बाद ही बिहार विधानसभा के तहत नई टीम की घोषणा करेंगे। 4 आईएएस अधिकारियों का हुआ फेरबदल। बिहार सरकार के आदेशानुसार 4 आईएएस अधिकारी का तबादला कर दिया गया है, जिसमें सिक्किम के आईएएस अधिकारी प्रभाकर का नाम भी शामिल है, जिनकी नियुक्ति बिहार सरकार ने बिहार में ही की है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, बिहार में प्रतिनियुक्ति हुए प्रभाकर सिक्किम कैडर 2007 बैच के हैं, जिनका तबादला करके अब बिहार राज्य पर्यटन विकास विभाग निगम का प्रबंध निदेशक और पर्यटन विभाग का अपर सचिव नियुक्त किया गया है। वहीं बाकी 3 अधिकारियों को कृषि विभाग, कला संस्कृति विभाग और सामान्य प्रशासन विभाग का कार्यभार सौंपा गया है। स्ट्रीट डांसर 3D नहीं कर पाई ABCD 2 जितना भी कलेक्शन। ABCD, ABCD 2 के बाद आई स्ट्रीट डांसर पर्दे पर रिलीज होने के बाद 7वें दिन कुछ खास कलेक्शन नहीं कर पाई है। मूवी का कलेक्शन रेट इतना स्लो है कि अब तक यह ABCD 2 का रिकॉर्ड भी नहीं तोड़ पाया है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, एक सप्ताह के अंदर कुल मिलाकर ABCD 2 ने 71.78 करोड़ जमा कर लिए थे। वहीं वरुण धवन और श्रद्धा कपूर की इस फिल्म ने रिलीज होने के एक सप्ताह बाद 56.77 करोड़ रुपए का ही कलेक्शन किया है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच हुए 4th T20 मैच में भारत को मिली शानदार जीत। भारत और न्यूजीलैंड के बीच में हुए शानदार रोमांचक मैच में भारत को एक और शानदार जीत मिली है, जहां पर 8 विकेट के नुकसान पर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम ने 165 रन का लक्ष्य रखा था, जिसके जवाब में 7 विकेट के नुकसान पर न्यूजीलैंड की टीम ने 165 रन बनाकर एक बार फिर से मैच को ड्रॉ कर दिया। वहीं एक बार फिर से यह मैच जो है सुपर ओवर की तरफ गया, जहां पर न्यूजीलैंड की टीम ने पहले बल्लेबाजी कर 13 रन बनाए। वहीं भारतीय टीम ने इसके जवाब में 1 विकेट के नुकसान पर 16 रन बनाकर इस मैच को एक बार फिर से अपने नाम दर्ज कर लिया। उपेंद्र कुशवाहा ने NRC को लेकर किया बड़ा खुलासा। जहां एक और राज्य सरकार बार बार राज्य में NRC को लागू नहीं करने की बात कह रही है, वहीं दूसरी तरफ रालोसपा प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने एक चिट्ठी जारी की है, जिसमें साफ तौर से NRC की प्रक्रिया पर काम की शुरुआत होने की बात कही जा रही है, जिस पर उपेंद्र कुशवाहा ने खुद ही शेयर करते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार झूठे हैं, एक बार फिर से यही साबित हुआ है, कुर्सी की खातिर कुछ भी कर लेंगे। आपको बता दें, कुशवाहा द्वारा जारी किया गया यह पत्र वास्तव में मोकामा प्रखंड के BDO द्वारा लिखा गया है, जिसमें NRC के लिए हर स्कूल से 2-2 शिक्षकों के नाम की मांग की गई है। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, क्या आप बिहार में NRC लागू होने के पक्ष में हैं या नहीं? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। अगर आप ये वीडियो हमारे YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर आप ये वीडियो हमारा Facebook पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।